दोस्तों फोर्टी नाइन्थ जी काउंसिल की मीटिंग में आप सभी के लिए रिलीफ अनाउंस किए गए हैं लेट फीस को लेकर के जी एस नाइन की जो लेट फीस है उसको रेशनलाइज कर दिया गया है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए एक्सटेंशन जी काउंसिल मीटिंग ने रिकमेंडेड न दी है फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट यानी कि यहाँ पे काफ़ी समय से ये डिमांड की जा रही थी कि रिवोकेशन के लिए दोबारा से आपको समय दिया जाए क्योंकि फाइलिंग नहीं हो पाई थी एप्लीकेशन तो यहाँ पे एक्सटेंड की गई है टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वन टाइम एमनेस्टी तो आपको दी ही है फॉर पास्ट केसेस इन दिस रिगार्ड काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि सेक्शन थर्टी के अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए अब सेक्शन थर्टी के अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए एंड रूल ट्वेंटी थ्री के अंदर कर दी जाए ताकि जो टाइम लिमिट रहती है आपकी एप्लीकेशन लगाने की फॉर रिवोकेशन वो इंक्रीज़ हो जाएगी फ्रॉम थर्टी डेज़ यानी कि तीस दिन का जो आपके पास समय रहता है उसे नाइन्टी डेज़ तक वे द नाइन रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू अप्लाई फॉर सच रिवोकेशन विद इन नाइन्टी डेज अगर आप नब्बे दिन में भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जो ये टाइम लिमिट है ये कमिश्नर फर्दर एक्सटेंड कर सकता है या कमिश्नर के द्वारा जो भी ऑफिसर ऑथोराइज है वो एक्सटेंड कर सकता है एक सौ अस्सी दिन तक तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है काउंसिल ने ऑल्सो रिकमेंड किया है एमनेस्टी मे बी प्रोवाइडेड इन पास्ट केसेस जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गए थे ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से बट आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए रिवोकेशन की विद इन द टाइम स्पेसिफाई जो आपको थर्टी डेज का टाइम दिया गया है ठीक है तो ऐसे केस में आपके लिए ये रिलीफ uh, दिया गया है एक्सटेंशन दी गई है टाइम लिमिट की कि आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए जो भी चेंजेस है वो सेक्शन एंड रूल्स में कर दिए जाए तो चलिए नोटिफिकेशंस की तो हम ऑलरेडी वेट कर ही रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे जैसे ही धीरे धीरे डिटेल्स में ये चीज़ें नोटिफाई होंगी अभी जी एस टी आर फोर नाइन एंड टेन में आपको लेट फीस वेवर दिया गया है उस लेट फ़ीस वेवर में क्या कंडीशंस रहेंगी कि कब तक की आपकी फाइलिंग आपको करनी है वो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन्स आने पर क्लियर हो जाएंगी